जब तू पैदा हुआ था और नर्स के मारने पर भी नहीं रोया था, तभी मुझे समझ जाना चाहिए था कि तू रोने वालों में से नहीं, रोलाने वालों में से है। ओ बॉब्स, प्लीज टेक अ चिल पिल। अब चिल पिल का तो पता नहीं बेटा, लेकिन जब से 3 कॉलेज से तुझे बाहर निकाल दिया गया है ना, तब से ब्लड प्रेशर के टेबलेट्स में जरूर ले रहा हूँ। BSS कॉलेज में 2 महीने में बिना किसी लफड़े तू कैसे टिक गया है भगवान ही जाने। एक्चुअली यू आर राइट पॉप्स, ये मेरे रेपुटेशन के लिए बहुत बुरा है ना। क्या? कुछ करना पड़ेगा। एक बात कान खोलकर सुन ले तू राजू, इस कॉलेज में अगर तूने कोई लफड़ा किया ना, तो घर के 3 कमरों में से 1 कमरा खाली हो जाएगा। ओ बॉब्स प्लीज, आप इस उम्र में घर छोड़ के कहाँ जाओगे? हैं? हैं? बैड, वेरी बैड। अब इन्हें नया इश्क चढ़ा है कॉलेज जाके। पढ़ाई के नाम पर कॉलेज में गुंडागर्दी करते हैं, गाने गाते हैं, धमकाते हैं। ये हैं आपके राजू मल्होत्रा, कलंक है इस घर के, कलंक। कोई बात नहीं मम्मी, मैंने रामदेव बाबा का सिखाया प्राणायाम किया था। अरे बेटा, जब तू पैदा हुआ था ना, तो मुझे लगा था कि मेरा बेटा बड़ा होकर मेरी तरह स्टड बनेगा, स्टड। पर तुझे स्टड बनने की नहीं, तुझे स्टडीज की पड़ी है। ना तुम्हारा कोई दोस्त है, ना कोई सोसाइटी है, ना कोई PR, ना मार्केटिंग। बस कंप्यूटर में घुस के गूगल बन जाए तू, गूगल, उसके बाद गुल गुल गुल। औरों के पापा कहते हैं कि हमारा बेटा बड़ा नाम करेगा, हमारा बेटा ऐसा काम करेगा कि अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगा, लेकिन आप पापा मुझे कौन सी मंजिल तक पहुंचाना चाह रहे हैं? बेटा, मेरी मंजिल ये है, मैं ये चाहता हूँ कि तू कोई मिल गया का ऋतिक बनने की कोशिश मत कर। तू बेटा क्रिश का ऋतिक बन, सोशल बन मेरी तरह, और मेरा नाम रोशन कर दुनिया में। अरे आप क्यों उल्टी पट्टी पढ़ा रहे मेरे बेटे को? अरे क्या इसमें, ये चाहते हैं कि मैं इनकी तरह बनूं, लेकिन मुझे इनकी तरह बिजनेसमैन नहीं बनना, मुझे तो IAS ऑफिसर बनकर देश की सेवा करनी है। अरे तो IAS ऑफिसर बनेगा तो टेबल के नीचे से लेगा या नहीं? आप कैसे पापा हैं? आपका बस चलता तो खुद मेरे हाथ पर लिख देते कि मेरा बाप चोर है। क्या कहा तूने? क्या बेटा, मैंने कह दिया कि तू बुरा आदमी बन, लेकिन अपने पापा का बिजनेस आखिर तुझे ही संभालना है ना। तो समझा रहा हूँ इसको मैं। क्या है इनका बिजनेस? शराब पीना और पिलाना। प्लीज मुझे अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीने दो। मैं राजन हूँ तो हूँ, आई एम नॉट गोना चेंज माई सेल्फ, आई एम वॉट आई एम। बेटा राजन, एक बच्चे का क्या हक होता है कि उसे 2 वक्त का फैरिक्स मिले, हर 3 घंटे में नई नैपी और हर 2 दिन में नया खिलौना मिले? ये सारे हक हमें बचपन में खुशी खुशी मिलते थे, लेकिन जब से हम इस कॉलेज में आए
ये सारे हक हमसे छीन लिए गए। छोड़कुल, अब सर छोड़कुल कॉलेज में नहीं होगा तो क्या फिर नर्सरी और केजी में होगा सर? अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट्स को नहीं संभाल सकती तो तुरंत ही रेजिग्नेशन दे दीजिए। नहीं नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। सर एवरीथिंग अंडर टेबल, अब मेरा मतलब है एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। या बॉय शांति है सर। हर जवान लड़की का ये हक है कि सिजलिंग गर्मी में कूल फील करने के लिए वो शॉर्ट स्कर्ट्स पहन सके, और हर जवान लड़की का ये हक है कि वो हम लड़कियों को शॉर्ट स्कर्ट्स में देखे। और मैं तो ये भी कहता हूँ भाइयों कि आपको डिसाइड करना चाहिए अगर आपको एग्जाम देना है या नहीं। You bad. You good. Boom shot the top, bubble in a frog. Nine point away, them a bubble on top. Pretty down ding. Pretty, watch it out.
जीवन चंद अवस्थी है, ये इधर क्या कर रही है? इस कॉलेज की अवस्था को ठीक करने के लिए शायद अवस्थी की ही जरूरत है। मैं आपका नया प्रिंसिपल दीवान चंद अवस्थी। कल शाम को कॉलेज के हॉल में 4 बजे मीटिंग होगी। मैं चाहता हूं कि परिचय अब ठीक तरह से हो जाए। आपका, मेरा, हमारा, जिंदगी में हर किसी की एक जिम्मेदारी होती है। आप सबकी और मेरी भी एक जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी है पढ़कर एक बेहतर इंसान बनने की, और मेरी जिम्मेदारी है आपको बेहतर इंसान बनाने की। आपको यह सुनकर बहुत अफसोस होगा कि मुझे अपनी जिम्मेदारी निभाने की बहुत बुरी आदत है। इसलिए आप सब चाहे या ना चाहे, आपको आज से अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, वरना उसका अंजाम बहुत बुरा हो। मुझे इस कॉलेज में इसलिए एक्सक्यूज मी, लगता है आपको किसी ने बड़ा ही मजेदार जोक एसएमएस किया है, राइट? आइए स्टेज पर आकर हमें दिखाइए, साथ में मिलकर हंसते हैं। कम ऑन स्टेज, जस्ट कम ऑन स्टेज। दिस प्रिंसिपल इज अ बिग बोर, पी फॉर पकाओ, पकाओ। मिस्टर दिनेश के मेरे बारे में जो विचार है बड़े इंटरेस्टिंग है। मिस्टर दिनेश, मिस्टर लॉन्ग हेयर वंडर, प्लीज कम ऑन स्टेज और हमारा साथ भी निभाइए। प्लीज कम ऑन स्टेज। हाय, यू थिंक दैट आई एम अ बिग बोर, पी फॉर पकाओ? हाँ, लेकिन आप जैसे पी शब्द से रिलेट करते हैं ना, आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ, मैं ई शब्द से रिलेट करता हूं। अब आप दोनों को मैं ई सर्टिफिकेट दूंगा। यू आर एक्सपेल्ड। तबाही, दिनेश को कॉलेज से निकाल दिया। ये प्रिंसिपल यहां टिकने वाला नहीं है। यो, उसने एमएलए के लड़के को निकाल दिया, वो समझता क्या है अपने आप को? शिट मैन। हेलो पापा, 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 मैं रश्मि बोल रही हूँ। अवस्थी साहब, मैं रश्मि बोल रही हूँ। दैट्स करेक्ट, बोलो रश्मि। सॉरी सर, मैं बिल्कुल ही भूल गई कि मैं आपको पापा नहीं कह सकती। आज से मैं सिर्फ अवस्थी साहब या सर ही कहूंगी। क्या है, बाप बेटी का ये एग्रीमेंट इसलिए है कि मैं नहीं चाहता कि कॉलेज के स्टूडेंट्स तुम्हें मेरी बेटी समझकर एक्सप्लॉइट करें। तुम्हें मालूम है ना? आई नो पापा, सॉरी सर। बट सर, आपके कॉलेज में आने से बैड बॉयज की एक बार तो सांसें रुक ही गई हैं। अरे अभी तो सांसें और रुकेंगी, देखो तो सही मैं क्या करता हूँ। आगे आगे डबल रोल प्ले करने में मुझे थोड़ी तकलीफ होती है, दैट्स इट। ओके बेटे, बाय। सॉरी, बाय बाय। कल शाम को कॉलेज के स्टेज पर आपने एक प्लास्टिक प्रिंसिपल का कैरेक्टर प्ले किया था, दैट वाज गुड, लेकिन उसे मेंटेन करना है। बड़े उस्ताद लड़के हैं यहाँ के, और आपको उनका उस्ताद बनना है, समझ गए? यस सर, यस सर, समझ गए। क्या है?
क्या कॉलेज था, क्या हस्ती थी, क्या मस्ती थी। एक ही हीरो था, मैं, दीवान चंद अवस्थी। सर, मैं सोच भी नहीं सकता था कि जिस कॉलेज में मैं पढ़ा आपके साये में, उस कॉलेज में आज प्रिंसिपल बनकर आया हूं। सर, आज के वक्त स्टूडेंट्स को मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नहीं, समय अनुकूल कृष्ण की जरूरत है। एक्सक्यूज मी सर। या सर, हम लोग ये कॉलेज छोड़ना चाहते हैं। जी सर। व्हाट? प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड अस सर, बट हमारी फैमिलीज को हमसे बहुत उम्मीदें हैं और हम लोग हमेशा अच्छे स्टूडेंट्स रहे हैं, लेकिन लेकिन कॉलेज में जिस तरह का माहौल चल रहा है आप तो खुद ही देख चुके हैं, ऐसे में हम पढ़ नहीं सकते, इसलिए हम सॉरी सर। अवस्थी साहब, परीक्षा आसान नहीं है, बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। आपकी जिम्मेदारी है पढ़ना, हमारी जिम्मेदारी है पढ़ाना। E for education, A for arrest। यार ये दिनेश सही कह रहा था, ये नया प्रिंसिपल ना P for पकाओ है। मारो मारो ना, रुक क्यों गए? यार तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? जिसके चेहरे पर तुम डार्ट्स फेंक रहे हो वो तुम्हारे गुरु हैं। एक एकलव्य था जिसने अपने गुरु के लिए अपना अंगूठा काट दिया था, हर एक तुम हो। अंगूठा काट कर क्या फायदा? बदले में क्या मिला? ठेंगा? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल हमारा एग्जाम देख लो। हमारे देश में इंटेलिजेंस सिर्फ एग्जाम्स में जो मार्क्स मिलते हैं उससे देखी जाती है। एंड डिड यू नो कि आइंस्टाइन, जिसे दुनिया कहती है कि इतना बड़ा जीनियस था, वो एक्चुअली स्कूल में बहुत ही बड़ा टफर था यार। तुम्हें लगता है कि तुम ऐसी हरकतें करके सिस्टम को बदल दोगे? हाँ, वो अंकल आइंस्टाइन की थ्योरी है ना, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट अट्रैक्शन। ए इट्स न्यूटन एंड बी नॉट अट्रैक्शन। ओके, अभी नहीं, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। कभी नहीं होगा, और पता है क्यों? क्योंकि न्यूटन की एक्चुअल थ्योरी है, फॉर एवरी एक्शन There's an equal and opposite reaction. बिटिया, जल्दी आइए। क्या हुआ? बिटिया को देखने लड़के वाले आए हैं। शिट, समझो रिश्ता हो ही गया। ओह शिट, जल्दी आओ जल्दी। मैं तो भूल ही गया। लीजिए। सॉरी गाइस, वेरी सॉरी आई एम लेट। एक्चुअली क्या है ना, वो रास्ते में इतना ट्रैफिक था और बाइक भी खराब हो गई थी, लेकिन तुम लगता है कि तुम मेरे बेटे राजू को जानते हो। जी, और अगर मुझे पता होता कि ये गुंडा कविता का भाई है तो मैं यहाँ कभी मिलने नहीं आता। ऐसा क्या किया इसने? क्या किया है ये देखिए, डिस्को में नशे में धुत इसने मेरी बहन के साथ बदतमीजी की, और जब मैंने इसे रोकने की कोशिश की तो इसने मेरे सर पे बियर की बॉटल फोड़ दी। क्या है ना कि वो उस दिन कुछ ज्यादा ही पी ली थी मैंने, और थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। इट्स ओके, इट्स माय मिस्टेक। मिस्टेक तो हमने की है यहाँ आकर। जिसके भाई ने मेरी बहन के साथ बदतमीजी की, मुझे मारा, उसकी बहन को मैं अपनी बीवी बनाऊं? यू मस्ट बी क्रेजी मैन। ए, मुझे जो कुछ भी बोलना है बोल। मेरी बहन के बारे में कुछ बोला ना तो ये नारियल फोड़ दूंगा तेरे सर पे। मुझे मारेगा, देख लिया पापा आपने? लेट्स लीव इमीडिएटली। हाँ चलो। देखिए, इस तरह से रिश्ता टुकरा कर मत जाइए। हम जानते हैं कि हमारे बेटे से गलती हुई है, इसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। प्लीज सॉरी, मत जाइए। नो, आई एम सॉरी। यू आर सॉरी? यू नो आपकी प्रॉब्लम क्या है? यू आर ऑलवेज सॉरी भैया, एंड यू नो व्हाट, टुडे आई एम सॉरी क्योंकि मैं आपकी बहन हूँ।
डेनिम। कांग्रेट्स बेटा, आई एम रियली प्राउड दैट यू आर अ बैड बॉय। ये अवस्थी ऐसे कैसे कर सकती है? एक छोटे से बात के लिए स्टूडेंट को रस्टिकेट करना? हम इस बात से सहमति नहीं रखती। आफ्टर ऑल स्टूडेंट्स को फ्रीडम चाहिए। एक्सक्यूज मी मैम, व्हाट इज फ्रीडम अकॉर्डिंग टू यू? फ्रीडम वो होता है जहां पे हम जिंदगी मींस खुल के जी। मैम जरा खुल के समझाइए, क्या है ना कि हम सबको आपकी ऐसी आजादी बड़ी अच्छी लगती है। ओए राजू ना एकदम संकट मोचन बात हो रहे हो। मैम आपको नहीं लगता जो आजादी गैर जिम्मेदार हो वो आजादी नहीं बर्बादी है? एक्सक्यूज मी मिस आजाद, हर इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू हर चीज के लिए अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे हिसाब से अगर स्टूडेंट्स को लेक्चर बंक करने की परमिशन मिलती है तो वो आजादी होती है ना गाइस? आप लोगों के हिसाब से आजादी क्या होती है? हमारा चीकू अवस्थी के साथ शादी कर सके उसे आजादी कहेंगे। लड़कियां जब लड़कों के साथ हर वक्त फ्री हो जाए, दैट्स अ फ्रीडम मैन। शॉपिंग मॉल में जब कपड़े 100% डिस्काउंट में मिले ना, वही फ्रीडम है। जिस दिन इस देश के हर नौजवान के पास नौकरी होगी वो आजादी होगी। इफ माय बॉयफ्रेंड अलाउज मी टू हैव अफेयर्स विद अदर गाइस, दैट्स कॉल्ड फ्रीडम। आजादी मनोज कुमार की किसी फिल्म का टाइटल है ना? जब बोरिंग लेक्चर के खत्म होने की घंटी बजती है तो वो आजादी होती है। सर हम लोग ये कॉलेज छोड़ना चाहते हैं। हमारी फैमिलीज को हमसे बहुत उम्मीदें हैं और हम लोग हमेशा अच्छे स्टूडेंट्स रहे हैं, लेकिन कॉलेज में जिस तरह का माहौल चल रहा है आप तो खुद ही देख चुके हैं। ऐसे में हम पढ़ नहीं सकते। चलो दोस्तों हम तो कॉलेज से निकले। टेक केयर बड़ी, फिर मिलेंगे। बाय। चल गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। तुमने ये तो सुना होगा कि स्टूडेंट्स प्रिंसिपल से जाकर कहें कि सर मुझे एक चांस और दे दो, लेकिन अगर प्रिंसिपल स्टूडेंट से ये कहे कि मुझे एक चांस और दो तो? सर आप तो हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। वी लव यू सर। सी इफ यू लव मी यू शुड लव द कॉलेज ऑल्सो। सो आई रिजेक्ट योर एप्लीकेशन फॉर लिविंग द कॉलेज। ओके गो एंड अटेंड द क्लासेस। ओके सर। थैंक यू सर। जी आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि आज मैंने आप सबको यहाँ पर अचानक क्यों बुलाया। हम हमारे स्टूडेंट्स को तीन हिस्सों में बांटेंगे। 50% से नीचे वाले सी सेक्शन में, 50-70% वाले बी सेक्शन में और 70% से ऊपर वाले ए सेक्शन। क्या क्लास ए बी और सी, क्या हम सबको फिर से एबीसीडी सीखना है क्या? ए सेक्शन के जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं उन्हें सिर्फ गाइडेंस देना है। I think it's a fantastic idea. B section के students में आगे आने के लिए एक motivation जगाना पड़ेगा। I want to be with bad boys. और C section के students को पढ़ाई करने का discipline सिखाना पड़ेगा। तो students को section में बांटना शुरू कर दो। I think it's a great idea. ये college है हावड़ा मेल, एक होगी first class, एक होगी second class. बहुत ही third class idea है। Yes. उन्होंने जंगली जानवर, पालतू जानवर और इंसानों को अलग अलग कर दिया। दिमाग खराब हो गया। 50% वालों, सालो दिवाली में मिठाई बोल के मेंढक का मुरब्बा खिलाने वालों, अब सेक्शन सी के बाहर कड़कड़ाती धूप में मुर्गा बनकर खड़े रहोगे तुम और मैं तुम्हारे टकले पर कौवे के अंडे का आमलेट बनाकर मेरी गली के काले कुत्तों को खिलाऊंगा। अबे तेरी तो प्रिंसिपल साहब। बेटा समझ लो, लॉक हो गई आजादी, शुरू होगी बर्बादी। आज दिनेश ने अच्छा किया, प्रिंसिपल सर ने डिवाइड कर दिया। पोपट कुछ भी कर सकता है। पहले क्यों नहीं सोचा? आई वंडर। आई एम वेरी हैप्पी यार। मी टू। दो दिन में सचमुच सब चेंज हो गया। यो किससे बोला बे? मुंह से हाँ? आजकल तेरा मुंह बहुत चलने लगा है। अरे ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं सर, वो दोस्त है हम सब।
थोड़ी मस्ती कर रहे थे तो यू नो नथिंग टू वरी. आर यू श्योर? यस सर. ओके. दिनेश. यो. पढ़ने छोड़ी, लड़ने आते साले. तुम डर गए थे ना? हाँ? डरता तो मैं अपने आप से हूँ. झूठ से नफरत है मुझे. अगर प्रिंसिपल सर को इन सब के बारे में पता चल जाता तो ये कॉलेज से बाहर हो जाते, जो मैं चाहता नहीं था. चलो कम से कम उन स्टूडेंट्स को तो शांति मिलेगी. I know. Hmm. जो कॉलेज टाइम पास करने नहीं बल्कि पढ़ने आते हैं. Exactly. I think it's a very stupid idea. Huh? तुम क्या सोचते हो? ये तुमसे किसने पूछा है? जिंदगी एक भेलपुरी की तरह है. Hmm? किसकी तरह? भेलपुरी की तरह, जिसमें कुछ मीठी चीजें होती हैं मेरी तरह और कुछ तीखी चीजें होती हैं तुम्हारी तरह. अब अगर इन दोनों को अलग किया जाए तो जिंदगी तो फीकी हो जाती है ना, अवस्थी की तरह. लिसन, अगर तुम सोच रहे हो हम दोनों साथ साथ रह सकते हैं, यू मिस्टेकन. इट्स इम्पॉसिबल. इम्पॉसिबल? इम्पॉसिबल को अगर अलग किया जाए तो क्या बनता है? आई एम पॉसिबल. वैसे मुझे मुश्किलें और तीखी चीजें अच्छी लगती है. रियली? वेल देन आजमा कर देख लो, लेकिन तुम हार जाओगे बिकॉज आई एम इम्पॉसिबल. This difficult. आपने मुझे बुलाया मैडम? हाँ पकीड़ा, मैं जो कहती हूँ सुनो और ठीक से समझो. समझ गया मैडम, पर आप कहो तो. देखो, हम ये कह रहे थे कि ये सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी का स्टूडेंट पिक्चर देखने जाएंगे. हम कब बोला पिक्चर देखने जाएंगे? ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो. हम बोला कि इनका पिक्चर मतलब फोटो आई कार्ड में चिपकाओ. चिपक गया समझो. देखो ये लिस्ट ए में टॉपर, ये बी में एवरेज और सी में टॉपर का लिस्ट ले जाकर कल सुबह नोटिस बोर्ड में चिपका दो. हो जाएगा मैडम. कंफ्यूजन मैडम, कंफ्यूजन. ये आर मल्होत्रा और इधर ये आर मल्होत्रा. देखो मैं ठीक करता हूँ कंफ्यूजन. मल्होत्रा एंड मल्होत्रा. कॉन्ग्रेट सर, तू एक क्लास में आ गया. मजाक तो नहीं कर रहा तू? यू आर देयर बड़ी. Classy. Hey guys, you see my name? Excuse me. Are you Brett? One sec. Chotu ko aane do, Chotu ko. Arre yaar. Where's my name, man? मेरा नाम सेक्शन ए में कैसे नहीं है? उसी माने? Because baby, तुम्हारा नाम ऊपर से नीचे आते हुए, अरे हाँ, मेरे ऊपर है. गुड मॉर्निंग सर. सर मेरा नाम राजन मल्होत्रा है और मुझे 92% मिले हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड सर, ये कोई और आर मल्होत्रा है जिसके आई कार्ड पे मेरी फोटो लगा दी गई है. सर प्लीज जस्ट लुक इनटू द मैटर, देयर हैज बीन अ टेरिबल मिस्टेक. आप उस फ्रॉड को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, पुलिस में पकड़वा दीजिए. यस ब्रदर, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, तुम्हें पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए. लो, फोन करो, मैं डायल करूं नंबर. ये आर मल्होत्रा का जो आई कार्ड तुम्हें मिला है ना, वो मैं हूं, राजू मल्होत्रा.
तुम? जी हाँ मैं। और मैंने सोचा है मिस्टर गुड स्टूडेंट कि किस्मत ने जो हमारे साथ ये हेरा फेरी की है ना उसे हम बरकरार रखें, राइट? नहीं, ये तो बहुत बड़ा क्राइम होगा। प्रिंसिपल को पता चल गया तो रस्टिकेट कर देंगे। देखो बेटा, प्रिंसिपल तो तुम्हें सिर्फ रस्टिकेट करेंगे, मैं जो करूंगा ना वो तुम नहीं जानते हो। यू डोंट नो मी। वैसे मैं भी कितना स्टूपिड हूं, और अगर गौर से सोचा जाए तो प्रिंसिपल सर को पता कैसे चलेगा? ना मैं बताऊंगा ना आप। एंड व्हाई नॉट, आप एक क्लास में जाएंगे तो कुछ सीखेंगे ही। मेरा क्या है, मैं तो सी क्लास में भी पढ़ लूंगा। एग्जैक्टली, इसे कहते हैं तकदीर, डेस्टिनी, किस्मत, जो भी कहो। अब मैं भी एक क्लास में और वो भी एक क्लास में। वो कौन भाई? कॉलेज की हीरोइन। वाओ, इज नॉट इट ग्रेट? यस इज ग्रेट, वेरी ग्रेट, सुपर्ब। आई एम सो हैप्पी। एक बात बताऊं, हम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं। बिकॉज आई रियली लाइक यू, वी आर बडीज मैन। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स? हाँ फ्रेंड्स। अरे ऐसे नहीं, मर्दों की तरह। फ्रेंड वर्सेस फ्रेंड, मल्होत्रा वर्सेस मल्होत्रा, ये हुई ना बात। अच्छा, हॉस्पिटल जाके चेक करवा लेते हैं, कहीं हम दोनों बचपन में अदल बदल तो नहीं हो गए। फिक्र मत कर, आज के बाद तेरे को इस कॉलेज में कोई हाथ नहीं लगाएगा। मैं हूं ना, बहुत इमोशनल हो रहा हूँ यार, कल ही मिलते हैं। यही सेक्शन? रो मत, रो मत दोस्त, होता है होता है। तुम इस बार सी सेक्शन में हो तो क्या हुआ, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, अगली बार तुम ए सेक्शन में आके रहोगे। डोंट वरी। ये भरत मिलाप का सीन मेरी ऑफिस में क्यों हो रहा है? सर वो क्या ना, कि आपने वो एबीसी सेक्शन अलग कर दिया है तो ये मुझसे बिछड़ गया है। दोस्त है मेरा, सी सेक्शन में चला गया है, 35% मार्क्स मिले, हौसला दे रहा था। सर एक्चुअली आपसे मिलने की वजह थे मेरे डैडी। डैडी? सर पीके मल्होत्रा। सर उन्हें मेरी बड़ी फिक्र हो रही थी कि मैं इन सी क्लास के स्टूडेंट्स के साथ बिगड़ नहीं जाऊँ। उन्होंने आपके एक्सपेरिमेंट के लिए आपको थैंक यू कहा है। क्या करते हैं आपके डैडी? आईएएस ऑफिसर हैं सर। दिख रहे हैं? हाँ सर। घर के संस्कार दिख रहे हैं? थैंक यू सर। सेक्शन ए में हो? जी सर। सर एक्चुअली हीरे की परख चोरी हुई। बस बस, नो फिल्मी डायलॉग्स प्लीज। ओके, तुम कुछ कहना चाहते हो? एनीथिंग एल्स? हाँ सर, वो क्या है कि एक्सक्यूज मी सर, या सेक्शन सी में ट्रांसफर कर दो। और सुनील को? या ऑफ कोर्स उसे भी। श्योर सर? या बट सर, जस्ट डू इट। लेकिन सर वो तो सेक्शन 8 डिजर्व कर। नो आर्ग्यूमेंट्स एंड नो एक्सक्यूजेस। ओके जी सर। डोंट टीच अ टीचर। सॉरी सर। आखिर लाइफ क्या है? कॉम्प्रोमाइज। एक बैड बॉय अगर गुड बॉय बनना चाहता है तो मुझे उसका साथ देना चाहिए, और वैसे भी एक क्लास में आकर वो गलत हरकत कर ही नहीं सकता है। रश्मि से प्यार करता है वो, तभी तो इतना बड़ा रिस्क लिया है उसने। आप इस क्लास में क्या कर रही है? मैम मैं आपको फील कर रहा हूँ। कोई नहीं कुछ है। मेरा मतलब है मैं आपके साथ बहुत पॉजिटिव फील कर रहा हूँ। एग्जाम को लेकर तो आप बहुत नेगेटिव फील कर रहे थे, फिर आपने 90% मार्क्स कैसे लेकर आया? नहीं मैम, आप मुझे नेगेटिव समझती थी, मैं एग्जाम्स को नेगेटिव समझता था। आप तो जानती हैं ना कि हम मैथमेटिक्स में क्या सीखते हैं। क्या सीखता है? यही कि दो नेगेटिव्स को साथ में मिला दो तो रिजल्ट पॉजिटिव ही होता है। आप समझ गए ना मैम मैं क्या कह रहा हूँ? अबे पीछे हटना यार, आने दे ना। अरे राजू साहब आया। ओ राजू 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 पुंगी राजू राजू। साइलेंस हो गया यार। साइलेंस साइलेंस। आपका फिलोसफी का प्रोफेसर क्लास में है और आप लोगों ने तमाशा लगा रखा है। हम तो सिर्फ अपनी बॉडी से टेंशन दूर करके रिलैक्स कर रहे थे ताकि हम सब आपके लेक्चर के लिए फ्रेश हो सके। रियली? तो पहले क्यों नहीं बताया?
आप लोग जानते नहीं, मैं सिर्फ फिलॉसफी का प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं एक योगी भी हूँ। रोगी? सर कौन सा रोग है आपको सर? रोगी नहीं, योगी, योग। आई एम अ प्रोफेसर ऑफ मेडिटेशन, ऑफ पीस। चलिए सब अपनी आंखें बंद करिए, आज फिलॉसफी क्लास से पहले हम सब मेडिटेट करेंगे आनंद के लिए। कौन आनंद सर? हम तो बस एक ही आनंद को जानते हैं, वो एवरग्रीन देवानंद। देवानंद साहब की तरह एवरग्रीन रहने के लिए हमें जिंदगी के हर आनंद का लुत्फ उठाना चाहिए। तो एवरीबॉडी क्लोज योर आईज और मेरे साथ बोलिए ओ। अपनी आंखें खोलो, देखो चारों तरफ कितनी शांति है, सारी बुरी शक्तियां जा चुकी हैं, इसलिए क्योंकि वो आनंद को नहीं ढूंढ पाई। इसे देखो, ये भी कितने आनंद से तुम्हें देख रही है, देखो। सुनिए, तुम्हारे जितने खूबसूरत नहीं है लेकिन मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। क्या हुआ, क्या हुआ? सॉरी, मुझे फूलों से एलर्जी है। ओह शिट। स्टूडेंट्स, व्हाट मेड मैन इवॉल्व फ्रॉम एप्स टू ह्यूमंस? सुन रहे? वो क्या वजह थी जिससे इंसान का बंदर से मनुष्य में निर्माण हुआ? शायद वो केले खा खा कर थक गया होगा सर। वेरी फनी। निर्माण, चेंज, परिवर्तन, ये जीवन का नियम है। हम खुद देखते हैं कि बचपन से लेके बुढ़ापे तक कैसे बदलता है ये जिस्म, ये दिमाग। ग्रेट, ऑलराइट, नेक्स्ट। You're a very impressive student. I'm pleased. Yes, sir. जब मैं किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाता हूँ तो इस चीज में पूरी तरह खो जाता हूँ। Once I'm in, अबे उसे उंगली करना बंद कर। Okay, man. Good morning. Good morning, sir जी. Good morning. Good morning. Sit down. बैठ जाओ, please. देखिए, टीचर कितना भी पढ़ा ले, वो तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक स्टूडेंट सीख ना ले। It is not the teacher who teaches, it is the student who learns. सर, इसका मतलब ये है कि आपको जो तनख्वाह मिलती है हमें पढ़ाने के लिए, वो एक्चुअली हमें मिलनी चाहिए सीखने के लिए। Good. Thank you. तुमने सिर्फ मेरी बात सुनी, समझी नहीं। Anyway, चुप। यहाँ पर काफी स्टूडेंट्स होंगे जो घर पर गायत्री मंत्र पढ़ते होंगे। Yes, sir. Oh, सुनाओ। ओम भूर्भुवत्स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यो मान। करेक्ट। मीनिंग पता है? गो, बोलो बोलो। सर, मुझे थोड़ी ना मालूम होगा कि उसका मतलब क्या है, वो तो मम्मी ने सिखा दिया और मैंने रट लिया। एग्जैक्टली माय पॉइंट। बिना समझे पढ़ने का ये एक और एग्जाम्पल है। कोई है यहाँ पर जो गायत्री मंत्र का मीनिंग जानता है? या इसका अर्थ है, हे माँ, हमारे अंदर जो अंधकार भरा हुआ है उस अंधकार को हमसे दूर करके सत्य और त्याग की रोशनी भर। गुड, गुड। तुम्हारे कितने परसेंटेज हैं? सर, वो मुझे 92%, आई मीन 92% तो नहीं आ सकता ना सर, 35%। साइलेंस। देखिए, इस पर हंसने से पहले हमें यह सोचना चाहिए कि हम कहीं खुद पर तो नहीं हंस रहे हैं। यह भी हो सकता है कि यह लड़का 90% मार्क्स लेकर आए। डोंट फॉरगेट, कमल कीचड़ में ही खिलता है। हाँ सर, मेरे एक दोस्त का मानना है कि मुझ जैसे कमल को कीचड़ में ही रहना पड़ेगा। टेल मी समथिंग,
something. How did you know? What? वही ओम भूर्भुवस्वः जो तुमने कहा क्लास में. गायत्री मंत्र. हाँ वही गायत्री मंत्र. तुम्हें कैसे पता गायत्री मंत्र का मतलब क्या है? तुम्हें भी पता चल सकता है अगर तुम पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दो. हाँ लेकिन हाँ कॉलेज पढ़ने के लिए तो ही ना आए हैं. तो What? Okay. मुझ पे नहीं पढ़ाई पे ध्यान दो. चलो लाइब्रेरी चलते हैं. लाइब्रेरी कहाँ है? कॉलेज में. अब ये मत पूछना कॉलेज कहाँ है. लेट्स गो. कम चलो. ये क्या है? लाइब्रेरी है. लाइब्रेरी या तुम मेंढक वगैरह काटते हैं ना? यहाँ पढ़ेंगे कैसे? वो लेबोरेटरी है, ये लाइब्रेरी है. चलो. आई लाश. इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ओह कोई मर गया क्या? साइलेंस. सॉरी सॉरी सॉरी. चलो चलो. My brother Rambo, your man. तुम्हें पता है मैं दारू पे दारू क्यों पी जा रहा हूँ? तेरे को डिंकी से लव हो गया. लव. लस. I love her. Really? I think she's sexy. Your man. तबाही. तबाही. कमाल है. एक रश्मि है जो तेरे प्यार में गिरती नहीं और एक डिंकी है जो मुझ पे गिरती रहती है. Hi. लो इसके बारे में बात करो तो सामने आके खड़ी हो जाती है. अब मेरे पास ही आएगी देखना. हाय. हाय. अरे मुझे लगा तुम सिवाय टॉयलेट और लाइब्रेरी के और कहीं नहीं मिल सकते. क्या पढ़ रहे हो? किताब. लव स्टोरी. हिस्टोरी. आई मीन हिस्ट्री. कूल. वैसे इस वक्त मैं तुम दोनों को अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने आई हूँ. सैटरडे नाइट एट रेक्सी क्लब. इट्स टू सेक्सी. अरे टिंकी तुमने 2 महीने पहले ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था ना? क्या हुआ? ओह वो तुम्हारी पासपोर्ट में लिखी डेट का बर्थडे था. असली वाला अभी है. यू गाइस आर गोना कम नो? हाँ बिल्कुल. हैप्पी बर्थडे टू टिंकी. बट यू नो मैं पार्टीज और क्लब्स में नहीं जाता क्योंकि ना ही मैं ड्रिंक करता हूँ और ना ही डांस कर सकता हूँ. कम ऑन शो सम लॉयल्टी टू अस सेक्शन सी. सारे स्टूडेंट्स सारे सेक्शन सी के. तुम्हें भी आना पड़ेगा. बट सेक्शन सी में तो वो ये आएगा. मैं भी आऊंगा. लेकिन क्लास ए से और कोई नहीं आ रहा क्या? ओह ओके आई गेट इट. मैंने बुलाया था उसको. हजार नखरों के बाद बोली आई विल ट्राई. हाँ फिर भी प्लीज कोशिश करो. ओके आई विल ट्राई. ओके ओके गाइस बाय. सी यू देयर. बाय बाय. तुम जाना भैया. मैं नहीं जाऊंगा. देख बेटा जितना तू इन लोगों के साथ घुल मिल जाएगा ना उतना तेरे लिए अच्छा है. तेरी ग्रोथ के लिए अच्छा है. हर गुड बॉय को बैड बॉयज के रंग भी दिखने चाहिए हैं? क्योंकि उसके बाद उसे उस बैड बैड वर्ल्ड में बाहर जाना है. हा? तो अभी ट्रेनिंग ले ले. Hey, yo.
कहीं ना जा, निगाहों में फंसा ले तू मुझे, आ जा आ जाओ जाने जाना, पनाहों में छुपा ले तू मेरे दिल की लगी, मेरी दीवानगी को जरा चैन आए सनम, तू थाम ले जो दामन, संभल जाए जागी जागी, ख्यालों पे बिछाया नशा, लागी लागी लगन ऐसी लागी, कहीं भी अब लागे न जिया, मेरी हर तिश्नगी मेरी दीवानगी को जरा चैन आए सनम, तू थाम ले जो दामन, संभल जाएंगे कदम, तू थाम ले जो दामन, संभल जाएंगे say. I swear I'll call the cops. I said leave her. Leave her now. Sun, cops ko bula le. Tere kaam aayenge. Tomorrow you're gonna have a bad day. Tumhara ghar kahan hai Dinky? Tell me. I don't know. Mujhe nahi jana ghar. I want to party. करता हूँ। Hi girls, what's up man? Hi, वो I'm sorry about last night. I was drunk. Sorry यार, please. Friends? We're not friends anymore. अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अबे रुक ना, हाँ? तू कहाँ जा रहा है, हाँ? हाँ? To get this, you need to grow up. कल रात को बहुत चौड़ा हो रहा था ना तू? चल एक काम करते हैं, आज तो क्लास में घुस कर देखा। क्या बे, क्या हुआ? हाँ? सबके सामने पिटेगा या क्लास में अकेले में? क्लास में चल 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 बेटा, चल आजा आजा। अरे यो मैन, मेरा फर्स्ट टाइम गया। हां चल, ज्यादा जोर से मत मारना। हां ओह वाओ, बीट हिम, बीट हिम। बड़ी कहाँ है? 15-16 साल की होगी। क्या? अब मेरा मतलब है कि
मेरी उम्र 15-16 साल की थी जब मैंने पहली बार एक किताब पढ़ी थी। 15-16 साल? तब तुम ये सब समझ सकते थे? हाँ, वो तो मैं 10 साल की उम्र में सब कुछ सीख गया था, समझ गया था, लेकिन मौका मुझे 15-16 साल में ही मिला। काफी इंटरेस्ट लगता है तुम्हें इस सब्जेक्ट में। हाँ, सच पूछो तो मुझे इसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रहा है हमेशा से। मैं सब्जेक्ट की गहराई तक पहुंचना चाहता हूँ, डूब जाना चाहता हूँ इसकी लबों की, अब मेरा मतलब है लफ्जों की गहराई में। सच कहूँ तो मुझे इस सब्जेक्ट में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा है, यू नो, लेकिन लगता है कि मुझे इंटरेस्ट लेना चाहिए। हाँ, मैं तेरे को तैयार हूँ। अपनी नॉलेज, मेरी फिलॉसफी है कि जब इंसान इन किताबों से कुछ सीखता है, पढ़ता है, तो उसका प्रैक्टिकली भी एक्सपीरियंस ले। One should be open to every experience in life. Yeah. और तुम जानती हो मेरा नया सब्जेक्ट क्या है? क्या? तुम? Jokes apart, I'm काफी impressed कि तुम कार्ल मार्क्स पढ़ते हो। I mean. नहीं, jokes apart, मैं ये सिर्फ तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए पढ़ रहा था। Seriously. You're too smart. I am. That's why you like me. Who told you that? जानता हूँ मैं। Smile. You can't do that. It's bad manners. Of course I can. I'm a bad boy. Rajan, meri bhi photo lo na. Nahi, wo battery down ho gayi. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Papa. Happy birthday to you. I'm sorry, Papa. Huh? मुझे पता है आपने कहा था कि कॉलेज में, पब्लिक लाइफ में हम दोनों बाप बेटी के रिश्ते से नहीं, प्रिंसिपल और स्टूडेंट के रिश्ते से पेश आएंगे। मगर आज मुझे पता है प्रिंसिपल साहब को स्टूडेंट की नहीं, एक पापा को अपनी बेटी की जरूरत है। Happy birthday, Papa. Yeah. Yes, dear. Come. So, how is everything? Good. ये बताओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? Very good. Oh, principal साहब पूछ रहे? पापा पूछ रहे। Very good. Good. आपको पता है, इस बार मैं एक नया सब्जेक्ट पढ़ने का सोच रही हूँ। नया सब्जेक्ट? कौन सा? Karl Marx's theory of communism. Oh, you and communism? That sounds interesting. Interesting तो वो लड़का है। Karl Marx को लड़का कहती हो? पापा, कार्ल मार्क्स को नहीं, राजन, राजन मल्होत्रा। राजन मल्होत्रा? हाँ पापा, आपको पता है मैं उसे हमेशा आवारा, टाइम पास वैरायटी समझती थी। हरकतें भी उसकी ऐसी ही हैं, लेकिन सारी नॉटीनेस और मिस्चीफ के बावजूद हमारे क्लास में हाईएस्ट परसेंटेज वाला वही है, 92%। ग्रेट। रश्मि, आई वुड लाइक टू मीट दैट बॉय, ब्रिंग हिम। और सेक्शन सी में उसका एक दोस्त भी है, उसे भी। ओके पापा। ही सो कूल यार। हाँ, कुछ ज्यादा ही। यार कभी कभी मुझे लगता है कि हम दोनों हॉस्पिटल में बदल गए थे। जो बेटा तेरे डैड को चाहिए था वो मेरे डैड को मिल गया, जो मेरे डैड को चाहिए था वो तेरे डैड को मिल गया। या आई मीन, हम जैसे हैं वो उसमें खुश क्यों नहीं रह सकते? आई नो। जब देखो हमें अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं। रश्मि, रश्मि। हाँ रश्मि। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे कुछ काम है। हाँ बोलो। पहले प्रिंसिपल सर ने आज शाम तुम्हें और राजू को घर बुलाया है। घर? प्रिंसिपल ने घर पे बुलाया? क्यों? आई थिंक वो तुम दोनों से काफी इंप्रेस्ड हैं। इंप्रेस्ड हैं? ओके ओके। अच्छा सुनो, एक और चीज, मुझे कुछ क्वेश्चंस में हेल्प चाहिए थी। क्वेश्चंस में हेल्प चाहिए? जरा जोर से बोलो। रश्मि एक सेकंड, यहाँ पे नेटवर्क जरा लो है, एक सेकंड एक सेकंड। कुछ सवाल के जवाब पूछ रही है, तो सवाल सुन, मैं जवाब सुनाता हूँ।
ओह शिट मैन, यार बाल बाल बच गए। इस बार तो था यहाँ पे, अगली बार क्या करूंगा? अगली बार बोल देना, पता नहीं है, मालूम करके बताऊंगा। एट द मोस्ट सोचेगी तुझे इस सवाल का जवाब मालूम नहीं है। अरे कम से कम गलत जवाब देने से तो बच जाएगा ना। अगली बार यही करूंगा। थैंक यू यार, चल शाम को जाके ठाकुर से मिलना। चल चल चल। निर्मला, आर्ट्स फैकल्टी के सेकंड ईयर सेक्शन ए के स्टूडेंट राजन मल्होत्रा और सेक्शन सी के स्टूडेंट राजू मल्होत्रा, इन दोनों के ओरिजिनल एडमिशन फॉर्म्स और फाइल्स चाहिए तुरंत। सॉरी सर, पर थोड़ा समय लगेगा। कल सुबह तक मेरे घर पहुंच जाने चाहिए। ओके, इट्स अर्जेंट एंड प्लीज कीप इट टू योर सेल्फ। जी सर। सर वो मुझे 92% आई मीन 92% तो नहीं आ सकता ना सर, 35%। सर एक्चुअली आपसे मिलने की वजह थे मेरे डैडी। सर पी के मल्होत्रा सर, उन्हें मेरी बड़ी फिक्र हो रही थी कि मैं सी क्लास के स्टूडेंट के साथ बिगड़ नहीं। प्रिंसिपल सर, राजन मल्होत्रा से मिलना चाहते थे ना? ये है राजन मल्होत्रा और ये है राजू मल्होत्रा। नाइस टू नो यू, राजू मल्होत्रा एंड राजन मल्होत्रा। लेट्स शेक हैंड्स माय फ्रेंड्स। बाय मिस्टर अवस्थी। डॉक्टर अवस्थी। डॉक्टर अवस्थी, आप कुछ सोच रहे हैं ना? नहीं। आप कुछ छुपा रहे हैं? अच्छे पापा बच्चों से नहीं छुपाते। नो डियर, नथिंग। पापा, मैं आपकी आंखें पढ़ सकती हूँ। जमाना हमारी आंखें नहीं हुई, तुम्हारी किताब हो गई। अच्छा, आपका ध्यान किधर था? आप कैक्टस को पानी पिलाए जा रहे थे। सच बताओ, आप क्या सोच रहे थे? उन दोनों लड़कों के बारे में सोच रहा था। अच्छा, कैसे लगे वो दोनों? ठीक है। ठीक क्या? अच्छे? अच्छे। अच्छे या बहुत अच्छे? बेटे, कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो नहीं होता है। पर... लेकिन तुम जरा उन दोनों पे ध्यान रखना। ओके? पापा, मैं आपकी बेटी हूँ, मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती। ओके, सी यू इन कॉलेज सर। Yes, Miss Rashmi Awasthi, you may proceed. Hey, Baskar, Baskar, ah, yeah, 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 come on. Okay guys, I'm out. Chip the chappu. Yo. तूने मुझे धक्का क्यों दिया? Hey, देख कर नहीं खेल सकता क्या? मैं खेल के दिखाऊं क्या? हाँ? Cool राजू, तुमने मुझे इतना तो सिखा ही दिया है कि मैं भी थोड़ा खेल कर दिखा सकूं। तू मुझे सिखाएगा? तू मुझे सिखाएगा? यार रैम्बो, और एक बात याद रखना, जब कोई प्लेयर अपने नए गेम की प्रैक्टिस कर रहा हो, डोंट डिस्टर्ब हिम। सुना? चल कल्टी, निकल यहां से। यो मैन, आई विल बी बैक। क्या बात है मेरे शेर, तू तो बहुत जल्दी ट्रेन हो गया। गिव इट अप। मे वी कम इन सर? या कम इन। सर आप बिजी हैं तो हम बाद में आते हैं सर। हाँ सर, कल परसों नरसों। मैंने कहा ना आइए।
सर कुछ जरूरी काम था सर। ऐसा ही समझिए, सेट डाउन। बड़ी ठंडक महसूस हुई तुम दोनों का एसी कॉम्बिनेशन देखकर। एसी? ए यानी कि तुम, सी यानी कि तुम, एसी? नहीं सर, ए सेक्शन में मैं हूं। हाँ, तुम सी में हो लेकिन ए सेक्शन के स्टूडेंट्स की तरह जवाब देते हो। एक्चुअली सर फोसा तो यही मुझे सिखाता है ना, वेरी हेल्पफुल। पर मिस्टर ए, कैन यू हेल्प मी विथ माय पीसी, एज ये मॉडर्न एजुकेशन का सीडी है वो खुल नहीं रहा है, तो इफ यू कैन। ओह श्योर, लाइए। वो क्या है, विंडोज में प्रोग्राम में जाकर सीडी का कोड ब्रेक कर लो तो अपने आप खुल जाता है। मैंने सिखाया, इट्स एन इंडियन सॉफ्टवेयर। ये ओ ग्रेट, ये एक एमएमएस नहीं जा रहा है मेरे मोबाइल से, हरियाणा में जो रैगिंग हुआ। हाँ सर, ये तो वो अमीषा गुप्ता वाला केस है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ जाओ, मेन्यू में जाओ, स्क्रॉल करो और ये आपका एमएमएस सर। अच्छा है ना सर? सरप्राइज है, मुझे लगा था कि कंप्यूटर का प्रॉब्लम तुम सॉल्व करोगे और तुम मोबाइल पकड़ोगे, लेकिन आदतें बदली बदली नजर आती है दोनों की। सर हमारी आदत है एक दूसरे को ये सब सिखाना। हाँ सर, हम हमेशा एक्सचेंज मेरा मतलब है स्किल एक्सचेंज में बिलीव करते हैं। तुम्हारे पैरों में कुछ हुआ है? सर नहीं, जूते दिए ना नए इसको। हाँ सर, इन्हें जब भी जूते मिलते हैं तो मुझे ही खाने, लेने पड़ते हैं। बाय बाय सर, बाय सर। राजन, थैंक्स। माय प्लेजर सर, आवर प्लेजर सर। ऐसे और भी प्लेजर मिलेंगे नियर फ्यूचर में, बी रेडी। कुछ खाने को मन कर रहा है यार। यहाँ जान अटकी है, तुझे खाने की सोच रही है? अरे खाना यानी कसम खानी है यार, कसम की दोबारा ऐसा पंगा नहीं लेंगे। सोच ले, कभी झूठ नहीं बोलेगा तू। हाँ श्योर? एक्चुअली आई एम नॉट श्योर, शायद बोल भी लूं। सच कहूं तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है इस रोल चेंज में। व्हाट अ लाइफ। बड़ी ठंडक महसूस हुई तुम दोनों का एसी कॉम्बिनेशन देखकर। ए यानी कि तुम, सी यानी कि तुम, एसी। हाय हमदम। बोलो गुमनाम। कल संडे है और वो मान गई है। कौन? अरे रश्मि, और कौन? क्या मान गई? लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, मैं सुनाऊंगा और वो मुस्कुराएगी, मैं पोइट्री सुनाऊंगा और वो सुनेगी। अरे उसे तो टेनिसन की पोइट्री सुननी है। अरे यार मुझे तो सिर्फ आनंद बख्शी और समीर के गाने आते हैं। तू आ रहा है ना? नहीं यार, मैं नहीं आ रहा। लव का कॉन्फर्मेशन गाना गाकर और सुनाकर ही होता है, समझा? अब तू मेरे सुर में आ जा और डिंकी तेरे सुर में आ जाएगी। मैं इतना फिल्मी नहीं हूँ यार। लेकिन तू बन जा, आजकल हर आदमी फिल्मी है, समझा? हेलो। हाय, डिस्टर्ब तो नहीं किया? हाँ किया। सारा दिन पढ़ते रहते हो और लाते हो सिर्फ 35%, 100% फेलियर हो। कुछ और बात करें? बाहर बारिश हो रही है। कमाल है, नहीं इस बारिश के मौसम में भी बारिश हो रही है ना? ओफो। राजन तुम घर से बाहर निकलो, निकलो। बारिश की बूंदों को छुओ और उसके संगीत को सुनो।
कैसा लग रहा है? कुछ अजीब सा लग रहा है। और इस अजीब सी फीलिंग को क्या कहते हैं? क्या क्या कहते हैं? प्यार। I love you. है इश्क निभा जा, आ जा 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 जनाबे आली आ जा, इस दिल में और क्या है। किताबों से दोस्ती करने वाली मेरी बेटी आज फूलों से दोस्ती कर रही है। ये बदलाव देखो बेटे, मैं तुम्हारी भावनाओं को अच्छी तरह समझता हूं, लेकिन जिससे तुम प्यार करती हो वो अगर एक धोखा निकला तो? धोखा उन लड़कियों को होता है जिनकी आंखें नहीं होती। या उन्हें भी होता है बेटे जो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। You're right, papa. लेकिन मैंने अपनी आंखें सोच समझकर बंद की हैं। God bless you. अवस्थी, तुझे इसकी आंखें खोलनी पड़ेंगी। माय डियर स्टूडेंट्स, क्लासेस को सेक्शन में डिवाइड करके मैंने जो नया एक्सपेरिमेंट किया है, मैं देख रहा हूं कि नया ही रंग ला रहा है। काफी कुछ बदल गया है, स्टूडेंट्स भी बदल गए हैं। सेक्शन सी में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सेक्शन ए डिजर्व करते हैं, और सेक्शन ए में भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सेक्शन सी डिजर्व करते हैं। इसलिए सबके रीवैल्यूएशन के लिए जरूरी है कि दोबारा एग्जाम हो, यानी कि इंटरिम एग्जाम, ताकि हमें यह पता चले कि आज की तारीख में कौन क्या डिजर्व करता है। करेक्ट?
So students, get ready for new exam on 10th of September. Clap please. Thank you. पहाड़ में गई दुनिया, अगर रश्मि मुझे छोड़ के चली गई तो? That's true यार, अब मुझे डिंकी की क्लास छोड़कर क्लास ए में बैठना पड़ेगा. एग्जाम के साथ साथ मोहब्बत का भी सवाल हो गया है. Hi राजन, aren't you happy about the re-examination? तुम दोनों इतने उदास क्यों हो? देखा देखा ना, रश्मि भी यही कह रही जो मैं कह रहा था. तू ये कब कह रहा था? मैं कह रहा था. दरअसल रश्मि अपना राजन है ना, जरा नर्वस हो गया है. इसे लगता है कि अगर इसके मार्क्स कम आए तो तुम इसे है ना राजन? हाँ. हर लड़की का सपना होता है कि उसका पार्टनर हैंडसम हो, डैशिंग हो, थोड़ा इंटेलिजेंट हो. और बस मैं भी यही चाहती हूँ. अवस्थी सर को फुल फेथ है तुम दोनों पर. रियली सुना तुमने रश्मि ने क्या कहा? सुना, उसे तो कोई फर्स्ट क्लास 95% वाला लाइफ पार्टनर चाहिए. यानी कि मैं प्रेम की जंग में हार गया हूं? 100%. और तू क्या? मैं भी हार गया. डिंगी को 35% से 70% लाने में मेरी तो जिंदगी चली जाएगी. पर जरूरी है, उसके लिए नहीं, मेरी अपनी दिमागी शांति के लिए जरूरी है कि मैं उसे भी सीरियस स्टूडेंट बनाऊं. तो फिर जा, दिमाग की शांति पा और मुझे पढ़ने दे. चलो डिंकी, पढ़ाई शुरू करते हैं. इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो हमारे सामने पूरी रात पड़ी है. इसीलिए तो जल्दी है, मैं यहाँ सारी रात तुम्हारे घर में बिताना नहीं चाहता. ठीक है, कल सुबह चले जाना. क्या? देखो डिंकी, मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो. चलो पढ़ाई शुरू करते हैं. चलो आज मैं तुम्हें पढ़ने का एक नया तरीका बताती हूँ. नया तरीका? हाँ, बहुत आसान है. उसे कहते हैं SS. SS you mean serious studies, right? Strip study. What? चलो मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी और हर सही जवाब के लिए एक चीज स्ट्रिप करूंगी. देखो डिंकी, ये पढ़ाई करने का बहुत ही डेंजरस तरीका है. पता है, इसीलिए तो ये तरीका सोचा है मैंने. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन. द ट्रूथ इज ऑफन अ टेरिबल वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन. ये किसने कहा? अल्फ्रेड एडलर ने. करेक्ट. Next question. There is a saying that man should love his neighbor as himself, and in a few hundred years, it should become as natural as breathing itself. किसने कहा? अल्फ्रेड एडलर ने. करेक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Love in itself, in the form of longing and deprivation, lowers the self-regard. ये किसने कहा? अल्फ्रेड हिचकॉक. सॉरी, गलत जवाब. नो 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 नो, वेट. जॉन ग्रे. ओप्स, गलत जवाब. Stop. I know this. Carl Gustav Jung. Yeah. Galat jawab. No. Sorry. Next time.
बेस्ट ऑफ लक भैया। कितना भी पढ़ ले बेटा, पास तो तू होने वाला है नहीं। हर लड़की का सपना होता है कि उसका पार्टनर हैंडसम हो, डैशिंग हो, थोड़ा इंटेलिजेंट हो, और बस मैं भी यही चाहती हूँ। वहां वो खाली सीट किसकी है? राजन मल्होत्रा की। राजन, एग्जाम नहीं दे रहे हो? शायद डर गए। नहीं। क्यों? सारे सवाल और उनके जवाब तुम्हारे पास आए ना? जी हाँ, लेकिन किसी भी सवाल का अधूरा जवाब देना खुद का मजाक उड़ाना है। मौका आने पर सब सवालों का जवाब मैं पूरा दूंगा। अगर आपको कुछ देना ही है तो एक और मौका दीजिए। ठीक है, मौका दिया। आज की इस मीटिंग में हम आपको एक और गुड न्यूज देना चाहते हैं, और वो ये है कि 5 साल के बाद हमारा कॉलेज इस साल इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल में भाग लेगा। कंग्रेचुलेशन। और जो फाइनल लिस्ट मिस्टर अवस्थी ने बनाई है उनके नाम मिस जूली अनाउंस करेंगी। पोएट्री कंपटीशन में होंगे जावेद किश्ती, सिंपोजियम में होंगी मिस, करेक्ट, मिस राधा कश्यप, और हाँ सिंगिंग कंपटीशन में है हिमेश, 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 हिमेश चंद्रा। अबे टोपी पहन ले, टोपी पहन ले। वो हिमेश रेशमिया नहीं है, हिमेश चंद्र है। एंड नाउ कम्स द डांस कंपटीशन। रैम्बो, चल बेटा झलक दिखला दे। भूल मत। डांस कंपटीशन के लिए हमने चुना है मिस्टर राजू मल्होत्रा। And now to the quiz competition, जिसमें दिल से ज्यादा brain, brilliance और knowledge की जरूरत होती है। वो है राजन मल्होत्रा। Give him a big hand. Give him a big hand. All the best, my dear. बड़ी बेइज्जती की हमारे रैम्बो की उस बुढ़े अवस्थी ने। अबे डांस चैंपियन है अपना रैम्बो, और चुना किसे? साले उस चुन्नी लाल राजू मल्होत्रा को। मल्होत्रा, I can't take it. अपना भी पुराना अकाउंट है उसकी ऊपर। That's a cool idea. अब ये तबाही सिर्फ तुम मचा सकते। After all, I'm an expelled student. Thank you.
डॉक्टर साहब, अवस्थी सर कैसे हैं? अभी अनकॉन्शियस हैं, अदरवाइज एवरीथिंग इज फाइन। देखिए विजिटिंग आवर्स खत्म हो चुके हैं, अब आप लोग जा सकते हैं। ठीक है सर, तो हम रश्मि को भी साथ लेके जाते हैं। नहीं, एक रिश्तेदार यहाँ रुक सकता है, मेरे ख्याल से उनकी बेटी का रुकना जरूरी है। बेटी? क्या कहा आपने, रश्मि उनकी बेटी है? जी हाँ, फॉर्म पे तो मिस रश्मि अवस्थी ही नाम लिखा है। Are you sure, डॉक्टर? मैं आपसे बोल रहा हूँ, प्लीज आप लोग जा सकते हैं। अब बस दूध पी और पढ़ाई कर, बाकी सब भूल जा। वो रश्मि अवस्थी की बेटी हमको उल्लू बना गई। तो तुमने भी तो एक क्लास बन के उल्लू बनाया। पर मैं एक क्लास हूं, एक क्लास हूं मैं। देख अवस्थी सर सही इंसान है, अब एक ही रास्ता है, आज शाम को उनके घर जाकर सब सच सच बता दे। क्या? कि हमने बहुत बड़ा फ्रॉड किया है और सर हम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। किसी भी बड़ी उलझन से निकलने का सच ही रास्ता होता है। सर हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। सर हम लोग इस कंपटीशन में भाग नहीं ले सकते। सर हम हिस्सा नहीं ले सकते। तुम्हें हिस्सा लेना भी नहीं चाहिए। जो सच के बारे में तुम मुझे अभी अभी बताने आए हो, वो सच के बारे में मैं बहुत पहले से जानता हूं। यस, तुमने क्लास बदली का खेल खेला तो मैंने भी विश्वास का खेल किया। तुम्हारे खेल को जानते हुए भी मैंने तुम्हारा नाम इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन में भेजा। जानते हो क्यों? ये सोचकर कि कमजोर स्टूडेंट्स को भी अगर मुश्किल काम विश्वास के साथ दिया जाए तो वो उस विश्वास में अपनी ताकत देख सकता है, लड़ सकता है, हार कर भी जीत सकता है। No. लेकिन तुम दोनों तो खुद से ही हारे हुए खिलाड़ी हो, और यहां आकर माफी मांगने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डिनर जैसे लड़के को मारकर तुमने गुंडे का काम किया है, गुड बॉय का नहीं। मैं उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवा सकता था, तुम क्यों गए? इसलिए कि उसमें भी तुम्हारा स्वार्थ था। तुम मुझे इंप्रेस करना चाहते थे, मेरी बेटी को इंप्रेस करना चाहते थे। अरे तुम तो रश्मि को जिसे प्यार करते हो, यस, उसे भी सच न बता सके। यू नो व्हाई? बिकॉज यू आर कावर्ड, गटलेस, शेम ऑन यू। आई एम डिसअपॉइंटेड सर, मुझे शर्म आती है तुम दोनों पर। बट सर मुझे कोई बात नहीं सुननी है, जस्ट लीव मी एंड गेट लॉस्ट। तुमने मेरे विश्वास को चोट पहुंचाई है, गेट लॉस्ट। रश्मि, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, मैं मानता हूँ मैंने गलती की है, झूठ बोला है, लेकिन अगर मैंने झूठ बोला है तो तुमने भी मुझसे एक झूठ बोला है। हुँ? ये छुपा कर कि तुम प्रिंसिपल अवस्थी की बेटी हो। बेशर्मी की हद होती है राजू, लेकिन इट्स ऑब्वियस कि तुम ना तो उस हद को पहचानते हो ना समझते हो। पापा तुम्हें माफ करें या ना करें, मगर मैं नहीं कर सकती। तुम प्यार मुझसे करती हो या मेरे पसंद से? मैं जिससे प्यार करती थी उसे मैं नहीं जानती, लेकिन आज मैं जिससे नफरत करती हूं वो 100% झूठा और खुदगर्ज इंसान है। ठीक है रश्मि, तो आज ये झूठा और खुदगर्ज इंसान तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाएगा, लेकिन एक बात याद रखना कि मेरे मार्क्स 90% ना हो, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया है सिर्फ इसलिए किया है
क्योंकि तुमसे प्यार मैंने हमेशा 100% ही किया है। सर, ये दोनों लड़के जो आपने चुने हैं ना, ये बिल्कुल बेकार है और 100% फेल हो जाएगा। उनकी जगह आप रैम्बो रश्मि को भेज दीजिए। नो, उन्हीं को भेजो। लेट देम लर्न देयर ओन लेसन। वो आग में खुद ही कूदे हैं, जलने दो। क्विज, चलो सबसे पहले क्वेश्चन मैं ही पूछता हूं। सबसे बड़ा पागल कौन है? चार ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास। ए, तुम जो इस क्विज में हिस्सा लेने जा रहे हो पापा। बी, मैं जो ऐसी बेवकूफी वाली बातें सुन रहा हूं। सी, वो प्रिंसिपल जो तुम्हें वहां भेज रहा है पापा। प्लीज एक मिनट। और डी, वो लोग जो ये क्विज कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। टोटल लॉस है तुम्हारा बेटा डांस में, टोटल लॉस। जी डांस में मैं आप ऐसी बातें मत की। तो क्या करूं फिर, क्या करूं? इसको डांस कॉम्पिटिशन में जाना है। अरे पजामे में चिपकली घुस जाए ना तो ये ऐसे नाचेगा ऐसे। हे देवा, मेरे घर में ये प्रभु देवा ही पैदा कर रहा था तूने? अरे कभी गणपति में या डांडिया में तो नाचा नहीं तो आज तक? मेरा बच्चा कोशिश तो कर रहा है ना। कोशिश कर। जी आप ही तो चाहते थे ना मेरे जैसा बेटा, अब जब मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगर हमारी किस्मत में जीतना लिखा होगा तो हम जीतेंगे, लेकिन हम हारने तक हार नहीं मानेंगे। मैं कहती हूँ कि तुम ये डांस कंपटीशन जीत सकते हो। यू नो, यू ओनली टोल्ड मी कि अपनी खूबियों को पहचानो, अपनी कमजोरियों को समझो और विल पावर से कूद पड़ो मैदान में। आई नो टिंकी, बट प्रैक्टिकली हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है और इतने कम वक्त में हम। लुक, मैं तुम्हें 10 दिनों तक लगातार डांस रिहर्सल करवाऊंगी। यू जस्ट डू इट एंड आई बिलीव दैट यू कैन डू इट। सिवाय कोशिश करने के हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। लेट्स डू इट राजू, दिस इज अ गेम ऑफ लाइफ एंड डेथ, लेट्स प्ले इट। लेट्स डू इट। फेस्टिवल को ऐसा इवेंट बनाऊंगा कि अवस्थी और सिचिल याद रखें। College Youth Festival. The next event of the day is music and dance competition. हमें अपने कॉलेज की कार्य अवस्था के बारे में कुछ नहीं बोलना। जो भी आपको पूछना है डॉक्टर अवस्थी से। आज हमारे बच्चों ने जो हिम्मत दिखाई है उससे साबित होता है कि वो कॉम्पिटिशन के काबिल हैं। That's right. हो गया। थैंक यू। And now comes the turn of Mr. Raju Malhotra from BSS College. Woo! क्या पता कहाँ रुके दर्द के ये काफिले, कह रहा दीवाना पन हर दुआ में तुम मिले, तुमको देखे बिना वक्त ढलता नहीं। पे
लो जो तुम्हें बताए, मिलो जो तुम्हें बताए। Putting a dine up on the rubber double line. Pain on me one, pain on me five. Big pan with the mic pan, them get sick. Putting a dine up on the rubber double line. Pain on me one, pain on me five. Big pan with the mic pan, them get sick. Call, call, call. Snap, 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 snap. Call, call, call. Snap, 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 snap. Call, call, call. जीत गया यार, यकीन नहीं होता कि मैं जीत गया। अरे यार, तुमको बदन की कसरत करके जीत गया, मुझे अब दिमाग की कसरत करनी होगी। उसका क्या? देख, राजन जीत गया, अब राजो भी जीतेगा। अच्छा यार, तेरे साथ तो टिंकी है, रश्मि अब भी, तो क्विज भी जीतेगा और रश्मि का प्यार भी। बस तू सिर्फ मेरी तरफ देखते रहना, जवाब मैं दूंगा, बोलेगा तू। एंड द कोड्स आर राइट ईयर ए, नोज बी, left ear C and lips D. Understood? Chal. Hello and welcome to the brain game. And the participants are Saint Xavier's College se Mr. Lavel Atari. जल्दी कुछ शुरू हो गया। मिस दीपानी शाह। हाय बेबी, चल चल रोना मत, चल पकड़, चल चल। आखिरी पार्टिसिपेंट हैं बीएसएस कॉलेज से मिस्टर राजन मल्होत्रा। आज का ये क्विज कॉन्टेस्ट शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस यूथ फेस्टिवल में अब तक के हुए 8 इवेंट्स में से 3-3 इवेंट्स जीतकर सेंट जेवियर्स कॉलेज और बीएसएस कॉलेज बराबरी पर है। यानी कि आज का ये क्विज कॉन्टेस्ट जो जीतेगा वही होगा इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल की चैंपियंस ट्रॉफी का असली हकदार। तो शुरू करते हैं आज का क्विज कॉन्टेस्ट। फिंगर्स ऑन योर बजर, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन ऑफ विलियम शेक्सपियर्स वर्क्स? यस, सेंट जेवियर्स कॉलेज, द फर्स्ट फोलियो। दैट्स राइट, फर्स्ट फोलियो, राइट आंसर, सेंट जेवियर्स कॉलेज। अगला सवाल, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पैलेस? SS College, Imperial Palace, Beijing. Imperial Palace, Beijing is the correct answer. SS College. अगला सवाल, इतिहास हमें सिखाता है कि हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते, किसने कहा? Yes, BSS College. Socrates. No, 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 no. गलत जवाब। सही जवाब है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। Yes, that's the correct answer. जाम्बो, बीबी, छोड़। छोड़ो मुझे। Oh!
इसी के साथ क्विज का ये पहला राउंड यहीं खत्म होता है. लेट्स सी व्हाट आर द पॉइंट्स. 75 पॉइंट्स के साथ सेंट जेवियर्स कॉलेज पहले स्थान पर है. 60 पॉइंट्स के साथ गवर्नमेंट कॉलेज दूसरे स्थान पर है. 55 पॉइंट्स के साथ सफाया कॉलेज तीसरे स्थान पर. 45 पॉइंट्स के साथ एसएस कॉलेज चौथे स्थान पर है. और 35 पॉइंट्स के साथ बीएसएस कॉलेज आखिरी स्थान पर. लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा दूसरा राउंड अभी बाकी है और ये राउंड है सोशल अवेयरनेस राउंड. लेकिन उससे पहले ऑडियंस, हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है? ध्यान से सुनिए. नॉट नेशनल एंथम बट नेशनल सॉन्ग. नो नॉट करेक्ट. नॉट करेक्ट ईदर. वंदे मातरम बिल्कुल सही जवाब है. अब सवाल जाता है पार्टिसिपेंट्स को और इसको लिखा किसने है. यस बीएसएस कॉलेज. बंकिम चंद्र चैटर्जी. बंकिम चंद्र चैटर्जी इज द करेक्ट आंसर. बीएसएस कॉलेज आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स. और अब आपके लिए अगला सवाल. उस शख्स का नाम बताइए जो भारत के दो बार एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बने लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके. यस बीएसएस कॉलेज. गुलजारी लाल नंदा. दैट्स करेक्ट. Good going, BSS College. Fantastic. Good going. भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम तो आपको मालूम होगा. That's correct. APJ अब्दुल कलाम. लेकिन मैं पार्टिसिपेंट से पूछना चाहूंगा कि APJ अब्दुल कलाम का फुल फॉर्म क्या है. BSS College. अब्दुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम. That's correct. Good going, BSS College. हम लोग अपने जीवन में कितनी ही बार गाते हैं, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. आपका सवाल है कि भारत भाग्य विधाता का मतलब क्या है. आप बैठ के जवाब दे सकते हैं. सर मैं आपके लिए नहीं, नेशनल एंथम के सम्मान के लिए उठाऊं. सर इसका मतलब है भारत के भाग्य की रचना करने वाला. Wonderful answer, wonderful answer. Let's give him a big hand, ladies and gentlemen. आखिरी सवाल. What have we seen here? Saint Xavier's College और BSS College tie पर है. 75 points. तो आज का tie breaker सवाल. सवाल है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थर्ड लॉ ऑफ मोशन किस साल में डिस्कवर किया था. लिसन टू द क्वेश्चन केयरफुली. अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थर्ड लॉ ऑफ मोशन किस साल में डिस्कवर किया था. ऑप्शन ए 1845, ऑप्शन बी 1850, ऑप्शन सी 1860 और ऑप्शन डी 1875. अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थर्ड लॉ ऑफ मोशन किस साल में डिस्कवर किया था. ऑप्शन ए 1845, ऑप्शन बी 1850, ऑप्शन सी 1860 और ऑप्शन डी 1875. इट्स द टाई ब्रेकर क्वेश्चन. गो फॉर इट गाइस. बीएसएस कॉलेज. I'm really proud that you are a bad boy. Today I am sorry, क्योंकि मैं आपकी बहन हूँ. किसी भी बड़ी उलझन से निकलने का सच ही रास्ता होता है. कि कमजोर स्टूडेंट्स को भी अगर मुश्किल काम विश्वास के साथ दिया जाए तो वो उस विश्वास में अपनी ताकत देख सकते. Yes, the college, your time is running out. Newton and B, not attraction. Sir, ये trick question है. Law of motion Einstein ने नहीं, Newton ने discover किया था.
That was the tie-breaking answer to the tie-breaking question, and the answer is correct! के साथ आज के क्विज कॉन्टेस्ट के विजेता हैं बीएसएस कॉलेज के राजन मल्होत्रा। और इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल की चैंपियंस ट्रॉफी जाती है बीएसएस कॉलेज को। ये ट्रॉफी हमने आपसे झूठ बोलकर आपको धोखा देकर जीती है। आप तो सब जानते हैं ना सर, मैं राजू और ये राजन। जी हाँ, कॉलेज की हेरा फेरी से हमारे सेक्शन बदले, हमारे नाम और हमारे काम बदले, और हम कब बदलने लगे ये हमें पता ही नहीं चला। सच बात तो यह है कि ना हमें ना हमारे माँ बाप को इस बात का विश्वास था कि हम इस काबिल हैं, लेकिन हम कुछ कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं, हम जीत सकते हैं। इस बात का विश्वास सिर्फ एक शख्स को था, सिर्फ एक शख्स को, हमारे प्रिंसिपल अवस्थी जी को, जिन्होंने हमें सपोर्ट दिया, सहारा दिया और फिर चैलेंज दिया। थैंक यू अवस्थी सर, थैंक यू कि आपने हमें यह चैलेंज दिया। अब अगर आप चाहते हैं तो आप हमें इस कॉलेज से रेस्टिकेट कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें हमारी ट्रॉफी मिल गई है। हम अपनी जीत देख सकते हैं अपने माता पिता की आंखों में। मेरी बहन की खुशी के आंसू में अवस्थी जी के विश्वास में। दोस्तों, हम सबके अंदर एक राजू है और एक राजन है। देयर इज नथिंग लाइक गुड बॉय और बैड बॉय, दे आर ऑल स्मार्ट बॉयज। और हर कॉलेज में ऐसे तांबे पीतल की ट्रॉफीज नहीं, ऐसी जीती जागती ट्रॉफीज मिलनी चाहिए जैसी मुझे मिली है। और एक नहीं, दो दो।
संभल जाएंगे कदम तो धाम ले जाओ दामन संभल जाएंगे कदम जाएं